बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के लेक्चर में हम फाइनल अकाउंट्स की लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं और हम आज पढ़ेंगे बैलेंस शीट कि बैलेंस शीट क्या होती है और इसको बनाया कैसे जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे दूं कि बैलेंस शीट से पहले हमने बनाना सीखा था ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हमने बनाना सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट रेवेन्यूज को रिकॉर्ड करते हैं, और उसके अंदर से जो डिफरेंस आता है या तो वो ग्रॉस लॉस की सूरत में आता है या तो ग्रॉस प्रॉफिट की सूरत में आता है। इसके बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता है उसे हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, जिसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट रेवेन्यूज के दरम्यान में कंपेरिजन होता है, और फिर हम लोग अपना फाइनली उसमें से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करते हैं, और ये ट्रांसफर हो जाता है बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब हम देखते हैं कि बैलेंस शीट क्या होती है। जैसा कि आप सबको याद होगा अकाउंटिंग इक्वेशन का, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी जी? अकाउंटिंग इक्वेशन थी एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो बैलेंस शीट जो है इसका प्रॉपर एक फॉर्मेट है, लेकिन उसके अंदर बैलेंस शीट में भी हम लोग सिर्फ ये अकाउंटिंग इक्वेशन ही टैली कर रहे होते हैं। एक साइड पे एसेट्स होते हैं और दूसरी साइड पे लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी को हम ट्रीट करते हैं, और जो जो चीजें जो जो आइटम्स और जो जो जिन जिन हेड्स में हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो तमाम के तमाम एसेट्स लायबिलिटीज और ऑनर इक्विटी के अंदर आते हैं। लेट्स सी व्हाट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज अ लिस्ट ऑफ अकाउंट्स हैविंग डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस इन द लेजर। नो ऑन वन साइड इट शोज द अकाउंट दैट हैव डेबिट बैलेंस एंड ऑन द अदर साइड द अकाउंट दैट हैव अ क्रेडिट बैलेंस। द पर्पस ऑफ बैलेंस शीट इज टू शो अ ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एट अ पर्टिकुलर डेट। Every business party prepares a balance sheet at the end of accounting year. A balance sheet may be defined as it's a statement of assets, liabilities, and owners' equity on a particular date. जी definition जो first है हमारे पास, इसमें आपकी accounting equation को उसने proper तरीके से define कर दिया है कि ये statement है assets की, liabilities की, owners' equity की on a particular date. इससे पहले जो हमने details पढ़ी थी debit और credit की कि किसी अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है और किसी का क्रेडिट होता है और उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, तो याद कीजिएगा कि एक की मैंने आपको बताई थी कि एसेट्स का नेचर ऑफ बैलेंस क्या होता है जी, डेबिट होता है। लायबिलिटीज का नेचर ऑफ बैलेंसेस क्या होता है जी, वो क्रेडिट होता है। और ऑनर्स इक्विटी का नेचर ऑफ बैलेंस क्या होता है जी, वो भी क्रेडिट होता है। तो ये नेचर ऑफ बैलेंसेस की बात कर रहे हैं कि अगर एसेट्स होंगे तो वो उनका नेचर होता है डेबिट और वो राइट हैंड साइड पे रिकॉर्ड किए जाएंगे, और जो लायबिलिटीज हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे रिकॉर्ड की जाएंगी। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ व्हाट अ बिजनेस कंसर्न ओन्स एंड व्हाट इज ओज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ओन्स और ओज का मतलब ये है, ओन का मतलब है मिल्कियत में होना और ओ का मतलब है कि आपने किसी के उधार देना है या आपने किसी को ओ करते हैं का मतलब यह है कि आपने किसी के देने हैं। व्हाट इन इट्स ओन आर कॉल्ड एसेट्स एंड व्हाट इट्स ओज आर कॉल्ड लायबिलिटीज। जी बिल्कुल, जो उसके मिल्कियत में है वो उसके असासे हैं और जो वो दूसरों के पैसे उसने देने हैं वो उसकी लायबिलिटीज हैं। आपको बैलेंस शीट के अंदर तमाम एसेट्स को रिकॉर्ड करना होता है कि एसेट्स की क्या कंडीशन है। कंडीशन एज सच अगर मैं बात करूं तो वो मॉनेटरी टर्म्स में हम देखेंगे कि मॉनेटरी टर्म्स में उनकी वर्थ कितनी है। सपोज अगर बिल्डिंग आपने खरीदी थी 10,000 की और आज भी वो 10,000 की है तो आप उसको 10,000 के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। इट्स अ स्टेटमेंट वेयर ऑल लेजर अकाउंट बैलेंसेस व्हिच रिमेन ओपन आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइंड प्लेस। जी बिल्कुल, आप इसमें वो तमाम बैलेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं जो कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने नहीं ट्रीट किए थे और जिन्हें हम ट्रीट कर रहे हैं बैलेंस शीट में। ऑब्वियसली हमने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना तो ट्रीट किया था हमने एसेट्स को, ना किया था हमने लायबिलिटीज को।
और जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया है प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसके अंदर भी हमें बहुत सी आइटम्स देखने को मिली थी जो कि ना तो एक्सपेंस था ना तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। तो वो क्या चीज थी? वो एसेट्स और लाइबिलिटीज थी, और उन्हें अब हम रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन टोटल बनता है वो सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और उसके साथ ही आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो ये तीनों चीजें आपको इकट्ठी बनानी पड़ती हैं। तो आप देखते हैं जी, हम लोग इसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीजें रिकॉर्ड करेंगे और इसका फॉर्मेट क्या होगा। सबसे पहले इसके फीचर्स देख लेते हैं। इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ फाइनल अकाउंट्स, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। सेकेंड पॉइंट जो है वो मैं आपको क्लियर करता चलूं कि जब हम एक साल की अकाउंटिंग, जब अकाउंटिंग पीरियड का एंड होता है, जो कि नॉर्मली एक साल होता है, सपोज 1 जनवरी 2020 को अगर आप अकाउंटिंग ईयर आपका स्टार्ट हो रहा है, तो ये एंड कब होगा? ये 31 दिसंबर 2020 को एंड हो जाएगा। और जब 31 दिसंबर 2020 को एंड होगा, तो आप बैलेंस शीट तब ही बनाएंगे, और उसी दिन आपको पता चलेगा कि आपके एसेट्स, लाइबिलिटीज और ऑनर इक्विटी की टोटल वैल्यू कितनी है ऑन दैट स्पेसिफिक डेट। ठीक है? इट इज नॉट एन अकाउंट अंडर द डबल एंट्री सिस्टम, इट इज अ स्टेटमेंट ओनली। ये स्टेटमेंट होती है, इट हैज टू साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड इज known as asset side and right hand side is known as liability side। एक साइड पे एसेट रिकॉर्ड करते हैं और एक साइड पे हम लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं। द टोटल्स ऑफ बोथ साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। याद है जी, अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा इक्वल रहती थी। तो ऑब्वियसली अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन वाली लॉजिक हमारे जहन में रखें, तो हमेशा की तरह ये भी है कि इक्वल होना चाहिए। एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी, क्योंकि एक साइड पे तो हम एसेट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं और दूसरी साइड पे हमें ऑनर इक्विटी और किस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं? हम लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो दोनों साइड जो है दे विल ऑलवेज बी इक्वल। द बैलेंसेस ऑफ ऑल एसेट्स अकाउंट्स एंड लाइबिलिटीज अकाउंट्स आर शोन इन इट। नो एक्सपेंस अकाउंट एंड रेवेन्यू अकाउंट आर शोन हियर। ना तो कोई एक्सपेंस का अकाउंट यहाँ पे शो होगा, ना तो रेवेन्यू का अकाउंट शो होगा। सिर्फ और सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज के अंदर जो हेड्स आते हैं वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। इट डिस्क्लोजेस द फाइनेंशियल कंडीशन एंड सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल कंडीशन तो यहाँ पे वो शो करवा ही रहा है। सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंसी का मतलब ये होता है कि बिजनेस आपने लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने की कंडीशन में है कि नहीं है, या बिजनेस जितने पैसे ओ करता है क्या वो इसको पे ऑफ करने के काबिल है कि नहीं। तो यहाँ ये जो बैलेंस शीट जब हम प्रिपेयर करेंगे, इसमें हमें पता चल जाएगा कि बिजनेस इज सॉल्वेंट और नॉट। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ कंसर्न इज इंक्लूडेड इन इट थ्रू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, हम लोग इसे बनाते हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद, और जो उसका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है उसको हम इंक्लूड कर देते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर। और कंपनीज के अंदर ये रिटेन अर्निंग के तौर पे शामिल होता है, यहाँ पे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से शामिल, प्रॉफिट या लॉस के नाम से शामिल हो जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो ये थे जी हमारे फीचर्स, और इसको प्रिपेयर करने का तरीका है जी। सबसे पहले आप लिखेंगे टॉप पे नेम ऑफ द बिजनेस, जिस तरह के हम लोग लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो एग्जाम्पल की थी उसमें कंपनी का नाम था एक्स वाई जी कंपनी। आप सबसे पहले लिखेंगे एक्स वाई जी कंपनी, उसके बाद लिखेंगे ये स्टेटमेंट का नाम जो कि बैलेंस शीट है, हम लोग सिंपल बैलेंस शीट लिखेंगे। और याद रखिएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर फॉर द ईयर एंडेड होता था, इसके ऊपर लिखा एज ऑन 31 दिसंबर 2020, यानी कि जिस ईयर की बना रहे हैं उस ईयर की लास्ट डेट के ऊपर उस दिन की जो कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशंस आपकी, उसी दिन के हिसाब से आप बनाएंगे एज ऑन 31 दिसंबर। वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो पूरे साल के लिए बनता है, और ये जो बैलेंस शीट है ये ऑन दैट पर्टिकुलर डेट के बैलेंसेस को शो करवाती है कि आपका 31 दिसंबर 2020 को क्या बैलेंसेस थे एसेट्स और लाइबिलिटीज के। खैर, हमें यहाँ पे सिंपल फॉर्मेट नजर आ रहा है जिसमें 4 कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स जो हैं वो रुपीस के हैं जिसमें हम आपने अमाउंट लिखनी है। एक साइड पे आपके एसेट्स हैं, एक साइड पे लाइबिलिटीज और कैपिटल अकाउंट।
कैपिटल को आपने मेंशन करना है, जिसे ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं। अब जी क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स है, रियल एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स है। हम लोगों के अंदर अभी फिक्टिशियस एसेट्स हम लोगों के स्कोप में नहीं है, हम सिर्फ जो है रियल एसेट्स उनकी तरफ जाएंगे। दो टाइप्स के एसेट्स हैं जी, एक है फिक्स्ड एसेट्स और एक है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में लिक्विड और क्विक एसेट्स हैं और एक है फ्लोटिंग और सर्कुलेटिंग एसेट्स। लेकिन मैं आपको आपकी आसानी के लिए आपको ये बता देता हूं कि सिंपली हमने फोकस रखना है एक करंट एसेट्स है और एक है हमारे फिक्स एसेट्स। ये दो क्लासिफिकेशन हमने इस्तेमाल करनी है। पहले हम लिखेंगे करंट एसेट्स को, उसके बाद लिखेंगे हम फिक्स एसेट्स को। करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं या लिक्विड और क्विक एसेट्स, मैं आपको बता देता हूँ। करंट एसेट्स का मतलब ऐसे असासे हैं जो हम जल्दी अज जल्द इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पास में मौजूद है, हम उसे फौरी तौर पे कन्वर्ट कर सकते हैं कैश के अंदर या कैश की सूरत में वह मौजूद है। लिक्विड एसेट्स का मतलब ये है कि ऐसा असासा जिसे आप बहुत जल्दी कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों ने लिक्विडिटी के हिसाब से ही तमाम एसेट्स को रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले लिक्विड एसेट हमारा क्या होता है, हमारा है कैश, वो ऑलरेडी कैश के अंदर है। उसके बाद सेकेंड जो लिक्विड एसेट होगा हमारा कैश एट बैंक होगा, क्योंकि आप कैश बैंक से निकलवा सकते हैं फौरी तौर पर, दैट इज इन शेप ऑफ कैश। और इसी के बाद अकाउंट रिसीवेबल आ जाते हैं कि उनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं कैश के अंदर। कितनी जल्दी आप जो अपने एसेट्स हैं उनको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के हिसाब से हम लोग लिखेंगे। अकाउंट रिसीवेबल के बाद आ जाता है हमारी क्लोजिंग फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है, हम उसको लिखेंगे। और चल सो चल आगे हम चलते जाएंगे। मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी करंट एसेट्स का हिस्सा होती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपके क्वेश्चंस के अंदर जो है तीन या चार टाइप्स की करंट एसेट्स दिए होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में ऐसे एसेट्स जिनको सेल करते हुए आपको बहुत ज्यादा टाइम लगे, या ऐसे एसेट्स जिस तरह के हमारा लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गई, व्हीकल्स हो गई, दीज आर सॉर्ट ऑफ फिक्स एसेट्स जिनको हम काफी अर्से के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। और इनटेंजिबल और टेंजिबल एसेट्स क्या है जी? टेंजिबल एसेट जिनको हम हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और इनटेंजिबल वो जो कि हमें नजर नहीं आते, जिस तरह की रॉयल्टी हो गई और गुडविल हो गई। अगर तो हमें रॉयल्टी या गुडविल कहीं नजर आती है, या सॉरी गुडविल अगर हमें कहीं नजर आती है, तो दैट इज सॉर्ट ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स है। रॉयल्टी को हम अभी इंक्लूड नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको गुडविल को इंक्लूड करते हैं इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर। खैर जी आ जाते हैं हम आगे। रियल एसेट्स, ये तमाम डेफिनेशंस दी गई हैं। करंट एसेट्स विच आर शॉर्ट लिव्ड एंड विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकली, जिस तरह ये मैंने तमाम चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। एसेट साइड तो एक्सप्लेन हो गई, अब इसके बाद हम चलते हैं लाइबिलिटीज की साइड पे। जिस तरह हमने एसेट्स को पहले हमने रिकॉर्ड करना है करंट एसेट्स, और उसके बाद हमने फिक्स एसेट्स को रिकॉर्ड करना है, इसी तरह हमने लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करना है। लाइबिलिटीज भी दो टाइप की होती है, एक इंटरनल लाइबिलिटी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो है उसे हम पहले लिखेंगे, इंटरनल लाइबिलिटी को हम बाद में लिखेंगे। इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है जी? ऑनर इक्विटी होती है या कैपिटल अकाउंट होता है। लेकिन एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में भी दो टाइप्स आ जाती है, एक तो शॉर्ट टर्म है या करंट लाइबिलिटीज कहेंगे उसको, और दूसरी है लॉन्ग टर्म या फिक्स लाइबिलिटीज। तो ये हम लोग सबसे पहले लाइबिलिटीज के नहीं अंडर लिखेंगे लॉन्ग टर्म, सॉरी शॉर्ट टर्म, उसके बाद लॉन्ग टर्म, और उसके बाद आएंगे जी हमारा ऑनर्स इक्विटी। तो हम देखते चलते हैं कि इंटरनल लाइबिलिटीज और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के अंदर क्या क्या एक्सप्लेनेशन दी हुई है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज देखते हैं। ऑल डेट्स पेएबल बाय अ बिजनेस टू द आउटसाइडर्स आर कॉल्ड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के अंदर टाइप्स दिए हुई हैं या हेड्स दिए हुए हैं जिसको हमने इस्तेमाल करना है। क्रेडिटर्स है, डिबेंचर्स है, बिल्स पेएबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के अंदर दो टाइप्स उसने बता दी है हमें, एक है फिक्स्ड और एक है शॉर्ट। The liabilities which are repayable after a long period of time are called fixed. जिनके लिए हमें एक साल से ज़ायद का अरसा होता है वो फिक्स होती हैं, और जिनके लिए एक साल से कम का अरसा होता है
वो हमारे लिए करंट या शॉर्ट टर्म होती है लायबिलिटीज। दीज शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज की हम डेफिनेशन देते हैं, द डेट्स विच आर रिपेएबल विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल बैंक ओवरड्राफ्ट। करंट लायबिलिटीज में अगेन भी डिवाइडेड इनटू टू, डेफर्ड लायबिलिटीज और लिक्विड लायबिलिटीज। इतनी हमें ज्यादा क्लासिफिकेशन करने जाने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली लिखेंगे करंट लायबिलिटीज, उसके बाद सेक्शन बनाएंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और उसके बाद हम तीसरा सेक्शन बनाएंगे कैपिटल अकाउंट के नाम से, और तीन के अंदर ही हम लोग अपने तमाम की तमाम थ्री हेड्स के अंदर ही हम अपनी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो अब हमारे सामने एक फॉर्मेट बना हुआ आ गया है बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास ये पुराना फॉर्मेट है, ये लिक्विडिटी के हिसाब से नहीं है, तो इसमें रिवर्स फॉर्मेट यूज है। पहले फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड लायबिलिटीज शो करवा रहा है, उसके बाद करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स शो करवा रहा है, लेकिन हम लोगों ने इसके उल्ट चलना है, हमने लिक्विडिटी के हिसाब से करना है। जो सबसे ज्यादा लिक्विड है उसको हमने सबसे पहले लिखना है, यानी कि इस फॉर्मेट को आपने सिर्फ पलटना है, इन्वर्स करना है। लिक्विड एसेट सबसे ऊपर, करंट एसेट्स उसके नीचे और फिक्स्ड एसेट्स सबसे नीचे, लेकिन हम सिर्फ करंट एसेट्स लिख के तो ये तमाम के तमाम एसेट्स उसके नीचे लिख सकते हैं। खैर जी, सबसे लिक्विड एसेट कौन सा है? कैश इन हैंड और कैश इन बैंक। आपके हाथ में कैश है, आपका कैश बैंक में पड़ा हुआ है, दैट इज योर लिक्विड एसेट। इसके बाद करंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आ जाती है, स्टॉक्स आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर आपने कहीं किसी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है या कोई रकम आपने किसी को दी हुई है एज एन इन्वेस्टमेंट, दैट इज योर एसेट एज वेल। उसके अलावा स्टॉक का मतलब क्या है कि आपके पास जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, ये यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। ये क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा एसेट है। जब हम एक साल का एंड करते हैं और नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट करते हैं अपने स्टॉक को, वो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का कॉन्सेप्ट आपके जहन में आ जाएगा। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है। तो ये स्टॉक हमारा एसेट है। ये हमने जब ऑब्वियसली पहले हम इसे परचेजेस और सेल्स में कंसिडर करते रहते हैं, लेकिन जब जैसा कि आपको पता है एक साल से दूसरे साल में शिफ्ट करें तो दैट इज स्टॉक। तो स्टॉक ये वो चीजें हैं जो हमने रॉ मटेरियल खरीदा हुआ है या हमने प्रोडक्ट्स खरीदे हुए हैं जिसको हम लोगों ने अपना बाद में सेल करना होता है सेल के मकसद के लिए, लेकिन ये हमारे पास बच जाता है पहले साल के एंड के बाद। तो ये स्टॉक हमारा एसेट है। इसके बाद सन्डरी डेटर्स हैं। डेटर्स कौन से हैं? डेटर्स वो लोग हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं, इनको हमने कुछ सेल किया है या हमने उधार दिया है, तो ये अब हमारे देनदार हैं, इनसे हमने पैसे लेने हैं। बिल्स रिसीवेबल भी, अभी हमने चैप्टर नहीं पढ़ा बिल्स का, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। बिल्स रिसीवेबल का मतलब ये है कि एक बंदा है जिससे हमने पैसे लेने हैं, उसने हमें बिल बना के दिया है, और ये बिल वो वाला बिल नहीं है जो बिजली का बिल आता है हमें। ये बिल का मतलब है कि इस बंदे ने हमें ये बंदा हमें ओ करता है पैसे, और हमें बिल के उसने एक रसीद दे दी है या हमें एक्नॉलेजमेंट दे दी है इन द शेप ऑफ अ बिल कि मैं आपको इस तारीख पे पैसे दे दूंगा और आप ये बिल मुझे वापस कर दीजिएगा। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब ये है कि अगले साल के आपने एक्सपेंसेस इसी साल पे ऑफ कर दिए हो, तो ऑब्वियसली वो इस साल तो यूज नहीं हुए, वो आपका कैश है, वो आप उसको यूटिलाइज करेंगे नेक्स्ट ईयर में। तो ये तमाम के तमाम जो रकम है आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस की मद में दी हुई, वो आप नेक्स्ट ईयर जब यूज करेंगे तो वो आपका इस ईयर आपका एसेट कहलाएगा। इसके अलावा फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आपके पास इनटेंजिबल एसेट्स उन्होंने दी है। सबसे पहले गुडविल दी है और उसके बाद पेटेंट दिया है। गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल का मतलब ये होता है, इसको मैं आपको समझाता हूँ एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ। छोटी सी एग्जाम्पल क्या है कि मेरे कारोबार एक जगह पे कर रहा हूँ मेरे कारोबार का नाम है खान बर्गर। सपोज खान बर्गर जो है वो एक साल से चल रहा है और मेरे पास जो असासे हैं वहां पे तकरीबन राउंड अबाउट को 2 लाख रुपए के हैं, जिसके अंदर मेरा बर्गर का ऑपरेटर्स है बनाने का,
जिसके अंदर किचन का सामान आ जाता है, कुछ मेज आ जाती हैं, कुछ कुर्सियां आ जाती हैं, और उस शॉप के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है या शॉप की रेनोवेशन थोड़ी सी की हुई है, तो तमाम की तमाम चीजें ये आ जाती हैं उस के एसेट्स के अंदर, जो भी मैं जिस जिस चीज का शुमार कर सकता हूँ मैंने वहां पे रिकॉर्ड कर ली है, तो तकरीबन 2 लाख रुपए की मेरी एसेट्स की मालियत बनती है। जिस जगह पे मैं कर रहा हूँ उस जगह का वो रेंट पे है, या फिर मैं वो करता हूँ, ओन करता हूँ, इट डजंट मैटर। लेकिन मैं इसकी अभी जो एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि मैं उस जगह पे रेंट पे हूँ, तो मेरे पास फहीम आता है, वो कहता है सर आप मेरे साथ पार्टनरशिप कर ले, मैं और आप मिलके खान बर्गर चलाएंगे। मैं उसे कहता हूँ नहीं बेटा, बात ये है कि आप और मैं कारोबार नहीं कर सकते, आप ऐसा करें कि आप मेरे से ये बिजनेस खरीद लें। वो मुझे कहेगा कि सर आप बिजनेस खरीद लेते हो, मैं चलें इस तरह करते हैं, आपको मैं पैसे देता हूँ 1.5 लाख रुपया, तो क्या मैं उसको ये बेच दूँ अपने बिजनेस को? मैं उसको अपना ये बिजनेस कभी भी 1.5 लाख रुपए में नहीं बेचूंगा। मैं उसे कहूंगा कि भाई बात ये है, मैं यहाँ पे 3 या 4 साल से कारोबार कर रहा हूँ या 1 साल से कारोबार कर रहा हूँ, और मैंने अपना एक नाम बनाया है यहाँ पे, मेरा एक रेगुलर कस्टमर है जो मेरा नाम से यहाँ पे आता है और यहाँ पे आके मेरा खाना खाता है, बर्गर खाता है, और मेरी एक रेगुलर जराए आमदन है, ठीक है? तो क्या मुझे आपको ये बिजनेस 1.5 लाख में बेचना सूटेबल है? हालांकि मेरे एसेट्स की तादाद जो वहां पे है वो तकरीबन 2 लाख रुपया है, मैं इसको ये बिजनेस बेचूंगा 10 लाख रुपए में। वो 10 लाख रुपया जो है उसमें 8 लाख रुपया जो है वो किस में आएगा? वो मेरा प्रॉफिट नहीं होगा, वो मेरी गुडविल की कीमत होगी, जो मैंने नाम अपना वहां पे बनाया, दैट इज कॉल्ड एज गुडविल। तो ये मेरी रिप्यूट और मेरी मेरे नाम पे जितने लोग कस्टमर्स आते हैं, सिंपली दैट इज द गुडविल। अगर आप इस चीज को देखें तो फ्रेंचाइजी सिस्टम क्या करते हैं, दे कैश देयर नेम, जो कंपनीज हैं वो अपना नाम कैश कर रही होती हैं फ्रेंचाइजीज दे दे के। तो ये चीज अगर मैं अपना बिजनेस बेचूंगा तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी मुझे मिलेगी ड्यू टू द नेम आई क्रिएटेड इन द मार्केट, दैट इज कॉल्ड एज गुडविल। पेटेंट्स, पेटेंट्स क्या होते हैं? पेटेंट्स राइट होता है कि हम ये एक फॉर्मूला है, ये हमने फॉर्मूला बनाया है, और ये जो फॉर्मुलेशन है ये हम सिर्फ हम ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले के तहत कोई और बंदा इसको दवाई नहीं बना सकता या मेडिसिन नहीं बना सकता। सपोज अगर कोरोना की कोई इजाद हो जाती है मेडिसिन की, और उसके पेटेंट, उसके जो दवाई के इंग्रेडिएंट्स जो है उसको कोई और कंपनी इस्तेमाल नहीं कर सकती, हालांकि वो आम भी करते हैं, तो उन्हें एक अमाउंट पेटेंट के तौर पे, खरीदने के तौर पे देनी पड़ेगी पेरेंट कंपनी को, जिसने ये सबसे पहले दवाई दरियाफ्त करेगा या बनाएगा। तो उसके बाद आ जाती है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। ये अपने नाम से ही बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि हम इससे वाकिफ हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है इसको एक्सप्लेन करने की। लैंड, लैंड होता है बिजनेस ओन करेगा तो बिल्डिंग भी ओन कर सकता है। प्लांट और मशीनरी से मुराद ये पौधे और मशीनरी नहीं है, प्लांट का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, दीज आर सॉर्ट ऑफ ट्रीटेड एज सेम। आपने फर्नीचर लगाया हुआ है, आपने फिक्सचर्स लगाए हुए हैं, मतलब ये कि आपने कुछ शेल्व्स लगाई हुई हैं जिसको आप उतार नहीं सकते, फर्नीचर की मद में आती है वो, उसको हम फिक्सचर्स कहेंगे। अब लाइबिलिटीज वाली साइड पे आते हैं। लाइबिलिटीज में तीन चीजें, सबसे पहले हम देखेंगे करंट लाइबिलिटीज को। करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स आते हैं, वो लोग जिनसे हमने पैसे उधार लिए हुए हैं और हमने उन्हें वापस करना है, तो वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। इसके बाद बिल्स पेबल हैं। बिल्स पेबल अदर साइड है कि हम लोगों ने किसी से उधार सामान खरीदा और उसको हमने बिल बना के दिया, अब वो हमसे पैसे जब लेने आएगा ऑन द ड्यू डेट हम उसको उसकी पेमेंट करेंगे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है कि हमने बैंक से एक लिमिट ली होती है, और अगर हमारे अकाउंट में पैसे कम हो और हम किसी को पेमेंट करना चाहें तो हम
एक्स्ट्रा अमाउंट जो है बैंक हमारे बिहाफ पे उसको दे देता है, दैट इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। सपोज मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया है और मैंने पेमेंट करनी है 1.5 लाख रुपए की, तो मैं चेक काट के दूंगा और बैंक जो है वो मेरे अकाउंट से पेमेंट कर देगा, क्योंकि मैंने एक लिमिट ली हुई है उससे कि मैं अगर रन शॉर्ट ऑफ फाइनेंसेस हो जाऊं तो बैंक जो है मेरे मेरे मेरी जो है चेक बाउंस नहीं करेगा, बैंक उसको पेमेंट कर देगा। तो उसके ऊपर फिर एक्स्ट्रा चार्ज मुझसे करेगा बैंक और मैं उसको पे करने का मजाज होगा। तो दैट इज योर बैंक ओवरड्राफ्ट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर हमने कोई एक्सपेंस अभी तक पे नहीं किया, दैट इज अवर लायबिलिटी एज वेल। तो ये थी जी करंट लायबिलिटीज, इसके बाद आती है फिक्स लायबिलिटीज। फिक्स लायबिलिटीज में तीन चीजें आ रही हैं जी, ये कैपिटल आ रहा है, ये कैपिटल को हम सबसे नीचे लिखेंगे, उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स है और रिजर्व्स है। रिजर्व्स की डेफिनेशन हम देख लेते हैं अगर हमें कहीं नजर आती है, और अगर नहीं नजर आती तो रिजर्व्स हम बाद में देख लेंगे इसको। जी हमें रिजर्व्स की डेफिनेशन कहीं नजर नहीं आ रही। रिजर्व्स को अभी हम इसी तरीके से छोड़ देते हैं, अगर कहीं पर रिजर्व्स नजर आएंगे तो हम सिंपली उसको ट्रीट करेंगे एज अ लायबिलिटी साइड पे हम लोग उसको ट्रीट करेंगे। अब हम चलते हैं जी ये देखें जी, उन्होंने एक जो मैं आपको बता रहा था कि ये थर्ड मेथड जो है हम लोगों ने अडॉप्ट करना है, लिक्विड एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज और फिक्स लायबिलिटीज हमने इस तरीके से इस्तेमाल करनी है। अब हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है और ये एग्जांपल दी है इलस्ट्रेशन नंबर 6 के मद के अंदर, और हम अब इसको इलस्ट्रेशन नंबर 6 को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस तरीके से। ले जी, अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सादा सा है। हम लोगों ने अब सिंपल एक्स वाई जी जी पहले था जी रिवाइज ट्रायल बैलेंस ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 5 इज रिमूव फ्रॉम द दिस ट्रायल बैलेंस डाटा जो है हमें शो करवा रहा है। प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 1990। ले जी, हमारे पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था पहले, हम अब इसको कह देते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक्स वाई जी कंपनी मैंने एज आपको बताया था कि किस तरीके से हम लिखेंगे, कि सबसे पहले हम लोगों ने कंपनी का नाम लिखा, उसके बाद हम कौन सी स्टेटमेंट बना रहे हैं, दैट इज बैलेंस शीट। हमने बैलेंस शीट लिखी और उसके बाद ये देखिए फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिख रहा मैं, अब यहाँ पे लिख रहा हूँ एज ऑन 31 दिसंबर 1990। ये डेट का फॉर्मेट ये भी लिख सकते हैं और दूसरा भी कर सकते हैं 31 दिसंबर 1990। ये जी हम लोगों ने लिख दिया इसको। अब हम सवाल पढ़ लेते हैं, हम लोग तमाम हेड्स देख लेते हैं उसमें क्या क्या है। सबसे पहले कैपिटल है, ड्राइंग्स है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, डेटर्स, क्रेडिटर्स, फर्नीचर, कैश इन हैंड, क्लोजिंग स्टॉक और नेट प्रॉफिट। इसका मतलब है इसमें ये रिफाइंड है, इसमें हमें कोई भी आइटम ना तो डायरेक्ट एक्सपेंसिस की नजर आ रही है, ना इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस की नजर आ रही है, ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू की कोई आइटम यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये तमाम की तमाम आइटम्स हमारी बैलेंस शीट की आइटम्स हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक साइड पे रुपीज लिख दिया, दूसरी साइड पे भी रुपीज लिख दिया, और ये हम क्या एक साइड पे लिखेंगे एसेट्स और सेकेंड साइड पे हम लोग लाइबिलिटीज लिखेंगे जी, लाइबिलिटी, ठीक है जी। और ये सिंपली मैं इस चीज को हाईलाइट कर देता हूँ ताकि हमारा जो फॉर्मेट बन रहा है वो ज्यादा खूबसूरत तरीके से आप लोग देख सकें, और इसको भी ऐसे करके यहाँ तक खींच दिया। ये लाइंस बहुत ज्यादा हो रही हैं, लेकिन आप सिंपल जब अगर आपको सवाल
करने के लिए टाइम ना हो आपके पास, आप सिंपली दरमियान वाली लाइंस खींच के, रुपीज वाली सिर्फ ये दो लाइंस और ये दो लाइंस ये खींच के, तो आप इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। इतनी ज्यादा लाइंस बनाने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तो कोई चीज बनाऊंगा तो मेरे पास तो अभी थोड़ा टाइम है क्योंकि पेपर में तो नहीं बैठा हुआ, तो मैं आपके लिए चीजें थोड़ी सी खूबसूरत करके बनाता हूँ ताकि बाद में भी आपको याद रहे। और ये हाईलाइटेड रहेंगी तो इसका मतलब ये है कि इसके लिए कोई इम्पोर्टेंस है। और ये लें जी, अब मैं इसको शो करता हूँ, शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमें कैपिटल नजर आ रहा है, कैपिटल अकाउंट कहाँ आएगा जी? मैं यहाँ पे ले देता हूँ करंट लायबिलिटीज, उसके बाद मैं फिक्स लायबिलिटीज लिख लेता हूँ और उसके बाद कैपिटल लिख लेता हूँ। ठीक है जी, ये आ गया। और करंट एसेट्स, उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स। नहीं जी, ये एक प्रॉपर फॉर्मेट बन गया, हमने हेडिंग्स के साथ ही इसको हमने चला दिया है। जी हेडिंग्स बन गई। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में हमारे पास कितनी रकम आ रही है जी? कैपिटल अकाउंट आपको पता है जी, इसका नेचर जो है वो क्रेडिट का है। हमने क्या करना है, इसको क्रेडिट साइड पे सिंपली मेंशन कर देना है। और मैं इसको थोड़ा सा इधर खींच लेता हूँ ताकि हम सिंपल ले लें। कैपिटल अकाउंट में मैंने लिख दिया जी कैपिटल कितना है जी, 3,20,000 का, 3,20,000 सिंपली मैंने बाहर लिखा। ठीक है जी, मैं बाहर लिख रहा हूं, अभी आपको समझ लग जाएगी मैंने सही लिखा है या ये गलत लिखा है। ड्रॉइंग्स अकाउंट साथ ही मुझे नजर आ गया, ड्रॉइंग्स अकाउंट थी 90,000 का। अब मुझे समझ नहीं आ रही ये ड्रॉइंग्स तो एक क्या होती है। ड्रॉइंग्स अगर कोई मालिक अपने जाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस में से पैसा निकाले तो उसको ड्रॉइंग्स कहते हैं। ड्रॉइंग्स की वजह से कैपिटल अकाउंट के अंदर, कैपिटल के अंदर कमी वाकई होती है। तो कैपिटल मैंने बाहर लिख दिया था ये फाइनल अमाउंट के तौर पे, लेकिन मुझे अब पता चला ओहो ये तो मैंने गलती कर दी है, मैं क्या करूंगा, मैं इस अमाउंट को अंदर की साइड पे लिखूंगा, कंट्रोल बी कर दिया जी मैंने, और 3,20,000 को मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं लिखूंगा इसको अंदर, 3,20,000 मैंने यहाँ पे लिखा। अब माइनस करूंगा मैं इसमें से ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स की अमाउंट कितनी थी 90,000। तो जब मैंने 3,20,000 में से माइनस किया है 90,000, तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी 2,30,000। नहीं जी, फर्स्ट टू लाइंस में मैंने जो चीजें थी एज इट इज मेंशन कर दी है। थर्ड आइटम मेरे पास है बिल्डिंग की, बिल्डिंग क्या है जी, बिल्डिंग हमारा है फिक्स्ड एसेट्स, मैंने फिक्स्ड एसेट्स में बिल्डिंग को डायरेक्टली मेंशन कर दिया। बिल्डिंग कितने की है, बिल्डिंग इज ऑफ 300,000, 300,000 नजर आया मैंने वहां पर मेंशन कर दिया। उसके बाद मशीनरी नजर आई, मशीनरी इज ऑल्सो अ फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट में 80,000 की मशीनरी थी। असूली तौर पे मुझे मशीनरी पहले लिखनी चाहिए और बिल्डिंग बाद में, लेकिन आपको समझाने के लिए कि जैसे जैसे हम लोगों को आइटम्स नजर आए हमने फौरी तौर पे उनकी पेस्टिंग करनी है, मैंने आपको इस तरीके से इसको रिकॉर्ड कर दिया। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल क्या था जी, हमारा करंट एसेट था। बिल रिसीवेबल मैं इसको करंट एसेट्स के अंदर लिख लेता हूँ, बिल्स रिसीवेबल। ये सबसे लिक्विड एसेट नहीं है इसलिए मैंने दो स्पेसेस छोड़ी है, बिल रिसीवेबल लिख दिया मैंने 6,000 का। नेक्स्ट आ गया जी बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल मुझे पता है जी करंट लायबिलिटी है, और बिल्स पेएबल को मैंने लिख दिया 67,600 का क्रेडिट साइड में। अच्छा, बहुत जगह पे हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार बिल्स की ये आइटम एसेट की आइटम है या लायबिलिटी की आइटम है, तो याद रखिएगा जो एसेट की आइटम होगी उसका बैलेंस डेबिट होगा और जो लाइबिलिटीज की आइटम होगी उसका बैलेंस क्रेडिट होगा। देख रहे हैं आप, लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होगा।
तो अब बिल्स रिसीवेबल 6,000 थे, बिल्स पेबल हमारे 67,600 थे, और अब डेटर्स अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल हम लोगों ने डेटर्स को कहाँ लिखेंगे, हम डेटर्स को हम लोग लिखेंगे एसेट साइड पे। डेटर्स को कितनी अमाउंट है जी हमारे पास डेटर्स की, दैट इज 90,000। और उसके बाद क्रेडिटर्स आ जाते हैं, क्रेडिटर्स हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिए। क्रेडिटर्स की अमाउंट है कितनी, 1,40,000। 1,40,000 हमने मेंशन किया। फर्नीचर, फर्नीचर इज आल्सो आवर फिक्स्ड एसेट, फर्नीचर को हमने यहाँ पे मेंशन किया, फर्नीचर इज 8,400। और कैश इन हैंड, कैश इन हैंड इज 50,800। और स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा करंट एसेट है, क्लोजिंग स्टॉक को हम लोगों ने सबसे एंड पे मेंशन करना है, दैट इज 70,000। 70,000 हमने क्लोजिंग स्टॉक को मेंशन किया। और उसके बाद आ जाता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, याद रखिएगा कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा, और अगर लॉस होगा तो कैपिटल अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। इसमें लिख देता हूँ ऐड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की अमाउंट है 1,67,600, और इसका टोटल हम लिख देंगे यहाँ पे, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू यू। ये अमाउंट थी 3,97,000। अब हम लेंगे जी इसका टोटल। टोटल लेने के लिए हमें क्या करना है, हमें सिंपली अगर हम एक्सेल यूज करें तो सबमिशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो 6,05,200 बनता है। और इस कॉलम का भी टोटल लेंगे, और इन दोनों साइड्स का टोटल जो है हमारा सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आता तो इसका मतलब है हम लोगों ने कहीं ना कहीं गलती की है, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारा आंसर जो है वो सेम आ गया है, और इसका मतलब है हमारी जो तपस्या थी वो सफल हुई है। और हमारा आंसर जब सेम निकला है तो हमारी दोनों साइड्स की एंट्रीज जितनी भी थी वो तमाम की तमाम हमने बेहतरीन तरीके से सही रिकॉर्ड कर ली है। अब हम एक, ये एग्जाम्पल थी हमारी, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। हमें बता रहा है जी कि क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, और इसमें हमें दिया गया है एक सवाल। हम इस सवाल को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करते हैं। और मैं क्या करता हूं कि मैं आपके लिए सबसे पहले ये क्वेश्चन कैसे हल करना है ये तरीका कर देखते हैं। अच्छा जी, तो हम चले सब सब चीजें मिटा देते हैं जी। क्वेश्चन है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 1990। जी 31 दिसंबर 1990 हमारे पास डेट है, और दिसंबर की डेट में हम लोगों ने प्रिपेयर करना है। वी अज्यूम दैट द कंपनी नेम इज एक्स वाई जी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग बनाएंगे इसका बैलेंस शीट। तो दिस इज रिगार्डिंग द ट्रायल बैलेंस, और बैलेंस शीट है जी जुबैर कंपनी की, हम बना लेते हैं जुबैर एंड कंपनी। क्वेश्चन नंबर 7 है आई थिंक, और वी विल हैव टू, जी क्वेश्चन नंबर 7 जुबैर एंड कंपनी। कंपनी का नाम सबसे पहले आएगा जी, जुबैर एंड कंपनी, जुबैर एंड को। अच्छा, आपको क्वेश्चन के अंदर
छोटे छोटे मार्क्स लगे हुए नजर आ रहे होंगे, ठीक है जी। ये ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, कैरेज इनवर्ड, ये तमाम के तमाम आइटम्स हम लोगों ने एक दफा पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो ये जब एक दफा हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन सी आइटम ट्रेडिंग अकाउंट की है, कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की है और कौन सी आइटम बैलेंस शीट की है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये चीजें नोट कर लेनी है, हमने तमाम की तमाम आइटम वाइज पे जो है यहाँ पे मार्क कर लेना है। उनके स्टार्ट में जी ओपनिंग स्टॉक आता है जो ट्रेडिंग अकाउंट में, इसके आगे टी लिख दें। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, उसके आगे टी। कैरेज इनवर्ड टी, वेजेस टी, सेल्स रिटर्न टी, कैरेज आउटवर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिंटिंग चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट पेड ये जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दीज आर एसेट्स बैलेंस शीट में जाएंगे। डेटर्स जो हैं वो भी हमारे एसेट्स हैं, बैलेंस शीट में जाएंगे। मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये तमाम की तमाम एसेट्स वाली साइड पे आएंगी। ड्राइंग्स हैं हमारी, कैपिटल में से माइनस होंगी, ये बैलेंस शीट की आइटम है। कैपिटल ये भी बैलेंस शीट में, बिल्स पेबल बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड पे, सॉरी डेटर्स लाइबिलिटी साइड पे, परचेजेस रिटर्न हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में, लोन हमारी लाइबिलिटी है, ये क्रेडिट साइड पे जाएगी, लाइबिलिटीज वाली साइड पे जाएगी। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड हमें ये नहीं बता रहा कि ये हमें सेल्स के ऊपर, सॉरी परचेजेस के ऊपर डिस्काउंट है, तो ये हम लोग इसको यहाँ पे परचेजेस में से माइनस नहीं करेंगे, इसको हम एज अ इनडायरेक्ट इनकम ट्रीट करेंगे। उसके बाद सेल्स की अमाउंट दिया 1,50,000। अब सेल्स भी आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। आई एम गोइंग टू सिंपली गो थ्रू ईच एंड एवरी आइटम और जो इसकी स्पेस बनती है मैं उसको सिंपली वहां पे पेस्ट करूंगा और देन वी विल सी के क्या जो है इसकी सूरत हाल बनती है। और सबसे एंड पे हमें नजर आता है क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 3,000। चले जी मैं क्लोजिंग स्टॉक से ही स्टार्ट करता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट क्रेडिट साइड पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है जी 3,000 क्या, और इसकी दूसरी एंट्री कहाँ होती है क्लोजिंग स्टॉक की, अच्छा जी डिलीट हो गया जी, तो वहां पर तमाम आइटम्स डिलीट कर दी मैंने। क्लोजिंग स्टॉक मैंने यहाँ पे लिख दिया कितने का जी 3,000 का। अच्छा ये सिंगल आइटम है जिसकी दो जगह पे एंट्री हो रही है अभी। ट्रेल नाउ जितनी भी हमने अकाउंटिंग सीखी है उसमें ये दो जगह पे एंट्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि असल में अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट देखें तो क्रेडिट साइड माइनस होती है, में से ये परचेजेस में से माइनस कर रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस करें तो आइटम्स हमारे पास के कितनी आइटम हमारे पास सेल के लिए मौजूद है, और दूसरी साइड पे जो हम सेल निकालते हैं तो वो आइटम है जो उन आइटम्स की कॉस्ट, सॉरी जो आइटम हमने सेल की होती है उसके एवज हमें जो पैसे मिल जाते हैं वो आइटम्स वहां पे हम सेल्स में रिकॉर्ड कर देते हैं। और जो क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करने का क्रेडिट साइड पे मकसद ये है कि हमें पता चले कि कितनी आइटम्स हमारे पास मौजूद हैं, उनकी वैल्यू हम लोग ओपनिंग और परचेजेस में से माइनस करते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमारी सेल्स की अमाउंट में प्रॉफिट हमारा कितना है। खैर जी ओपनिंग स्टॉक है जी 4,000, हमने ओपनिंग स्टॉक को उसकी जगह पे लिखा, ओपनिंग स्टॉक इज 4,000 सिंपली हमने इसको एक जगह पे आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमने लिख दिया जी। परचेजेस हमने देख लिए जी, परचेजेस भी आएंगी इसके नीचे, परचेजेस रिटर्न तो कोई नहीं हमारे पास, परचेजेस रिटर्न भी है, परचेजेस है जी 83,330 और माइनस रिटर्न्स है जी, अगर आप देखें तो परचेजेस रिटर्न दूसरी साइड पे लिखा है मैं 2,000 का, तो ये है जी 2,000 और इज इक्वल टू हम लोगों ने माइनस किया इस अमाउंट को, हमारे पास 81,300 आ गया। कैरेज इनवर्ड भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, कैरेज इनवर्ड को लिखा 2,680। नेक्स्ट इज वेजेस इज ऑल्सो अ डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस को हम लोगों ने मेंशन करेंगे 6,900। उसके बाद हमें आइटम नजर आ रही है सेल्स रिटर्न की, तो इसका मतलब है सेल्स हमारी यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। सेल्स की अमाउंट है जी, लास्ट आइटम है 1,50,000, हम लोगों ने 1,50,000 यहाँ पे मेंशन कर दिया, माइनस रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न्स
हमने किया 400, तो इज इक्वल टू 1.5 लाख माइनस 400, 1,49,600 हमारी सेल्स आ गई। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड नजर आता है हमें, कैरेज आउटवर्ड हम लोगों ने सिंपली ले जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन कर दिया। कैरेज आउटवर्ड इज 790 कैरेज आउटवर्ड आ गया। जनरल एक्सपेंसेस, जी एक्सपेंस लिख रहा हूं जी इसको मैं, टाइम की शॉर्टेज की वजह से 640 हमने यहां पे मेंशन किया। जनरल एक्सपेंसेस के बाद आ गया हमारे पास प्रिंटिंग चार्जेस, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस को मैंने यहां पे लिख दिया जी 440। प्रिंटिंग के बाद आ गया जी इंटरेस्ट पेड को आ गया जी हमें 380। इंटरेस्ट पेड के बाद कैश इन हैंड, नहीं जी अब हम मूव करते हैं कैश इन हैंड की तरफ। कैश इन हैंड है जी हमारा 30,000 और कैश एट बैंक नेक्स्ट आइटम है। कैश एट बैंक इज 36,000। ठीक हो गया जी। कैश एट बैंक के बाद सन्ड्री डेटर्स की बात करता है। डेटर्स कितने हैं जी हमारे पास, डेटर्स है जी 56,000 के। 56,000 के बाद हमारे पास मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक हमने पहले मेंशन कर दिया था, मशीनरी इज 22,000, मशीनरी हमने 22,000 की निकाली। फर्नीचर इज 6,000, फर्नीचर हमारा 6,000 का है। बिल्डिंग हमारी कितने की है जी, 56,000 की, और 56,000 हमने बिल्डिंग का लिख दिया। नेक्स्ट इज ड्राइंग्स, ड्राइंग्स के अंदर हमने सिंपली जाके 6,000 माइनस में लिख दिया, और ड्राइंग्स के बाद हमारे पास कैपिटल की अमाउंट आ रही है 90,000 की। 90,000 हमने कैपिटल में लिखा। बिल्स पेबल हमें बता रहा है वो कितने का है जी, बिल्स पेबल इज 2,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स इज 51,260। परचेजेस रिटर्न हम लोग पहले ले चुके हैं। लोन आपके सामने है जी, लोन इज लाइबिलिटी, हमने थोड़े अरसे बाद लोन के पैसे वापस करने होते हैं, तो 16,000 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। और डिस्काउंट रिसीव्ड इज इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, हमने डिस्काउंट रिसीव्ड को हमने यहाँ पे मेंशन किया। डिस्काउंट रिसीव्ड इज 300 और उसके बाद सेल्स की अमाउंट है। इसका मतलब है हमने तमाम की तमाम आइटम्स को उनकी जगहों पे जो है वो कॉपी पेस्ट हमने कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको टोटल इसका निकालेंगे। तो जी हम लोगों ने इसका टोटल निकाला, ऑटो सम किया इसका, तो 1,52,600 है इज इक्वल टू, मैंने ये सेम अमाउंट दूसरी जगह पे लिखी, और अब मैं क्या करूंगा इस अमाउंट में से माइनस शुरू कर दूंगा करना तमाम आइटम्स। फर्स्ट आइटम मैंने माइनस की, इसके बाद मैं सेकंड आइटम माइनस करूंगा, इसके बाद मैं थर्ड आइटम माइनस करूंगा, इसके बाद मैंने फोर्थ आइटम माइनस की, तो मेरे पास 57,690 रुपीज का जो है वो 690 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट आया। मैंने चेक भी कर लिया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा ये जबरदस्त तरीके से सेम आया है। कैरिड डाउन, सी और डी का मतलब है कैरिड डाउन। अब जी ये कैरिड डाउन है, अब मैं इसी अमाउंट को मैंने कॉपी किया और मैं आपके सामने इसको कैरिड डाउन ले जा रहा हूँ। ये देखना हमेशा क्रॉस में आएगा, क्रॉस में। अब यहाँ पे आएगा जी कितना, 57,690 रुपीज का, ठीक है जी। अब हमें नजर आ रहा है कि इसकी डेबिट क्या नाम है, डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस की साइड पे कोई इतने खास एक्सपेंसेस नहीं है। हम इसको टोटल करके लिख देंगे, इसको मैंने ऑटो सम किया, टोटल हो गया, और ये दोनों अमाउंट्स मैंने टैली की और हमारे पास ये दोनों अमाउंट्स आ गई। और अब मैं क्या करूंगा, मैं नेट प्रॉफिट निकालूंगा। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ये, इस अमाउंट में से मैंने तमाम की तमाम एक्सपेंसेस माइनस करने हैं और मैं एक एक करके तमाम एक्सपेंसेस माइनस करूंगा और मेरे पास
आ जाएगी 55,740 की आ गई जी, ये मेरा था जी नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ये जी मैंने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट में 55,740 को, 55,740 ऐड किया जो मैंने नेट प्रॉफिट 55,740 रुपीस को ऐड किया है, ये देखें जी ये तमाम की तमाम आइटम्स जब हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है तो हमारी बैलेंस शीट भी टोटल इक्वल आई है 2,09,000 के ऊपर, एसेट्स का भी टोटल 2,09,000 आया और लाइबिलिटीज और कैपिटल अकाउंट का भी टोटल 2,09,000 आया। इसका मतलब ये है कि जब हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी तो दैट मींस कि हमारा क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है दैट इज परफेक्ट और हमारा जो आंसर निकला है वो हमने ठीक निकाल लिया है। तो ये थी जी आपकी बैलेंस शीट कि हमने बैलेंस शीट किस तरीके से बनानी है। और सिंपली आपने अभी ये देखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम्स कौन सी हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम्स कौन सी हैं और बैलेंस शीट की आइटम्स कौन सी हैं। दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन योर लेक्चर, सॉरी इन योर चैप्टर। आपने ये चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से करना है क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो हमें स्टार्ट करना है दैट इज फाइनल अकाउंट्स एडजस्टमेंट, उसके अंदर हम डिफरेंट एडजस्टमेंट्स करनी है। जब तक आपको इस चैप्टर के ऊपर अच्छे तरीके से ग्रिप नहीं होगी तब तक आप नेक्स्ट चैप्टर को जो है वो बेहतर तरीके से नहीं हल कर पाएंगे। सिंपली गो थ्रू व्हाट आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वेयर दे आर रिकॉर्डेड, सिंपली गो थ्रू व्हाट आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वेयर दे आर रिकॉर्डेड, डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू कहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं और इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू कहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं, और बैलेंस शीट की आइटम्स कौन कौन सी है, एसेट्स लाइबिलिटीज और ऑनर इक्विटी और उनकी ट्रीटमेंट किस तरह होती है, कैपिटल के अंदर कैपिटल में से माइनस होता है ड्रॉइंग्स और ऐड होता है नेट प्रॉफिट, लेकिन अगर आपका केस हो नेट लॉस का तो नेट लॉस इसमें से कैपिटल में से माइनस करेंगे। तो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडे और आपने अब जितने भी सवाल दिए हुए बुक के अंदर इस चैप्टर के यू हैव टू सॉल्व इट एज एन असाइनमेंट।